नमस्कार, मैं संदीप नोकपाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। मैंने वीडियो देखी ध्रुव राठी की, इंडिया बिगिंस के मोदी सरकार पर किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम मोदी सरकार में ज़्यादा हुए हैं या कांग्रेस सरकार में ज़्यादा हुए हैं। स्कैमों की बात सुने तो आप देख सकते हैं भैया, रेल मंत्री भी आज भी जेल की सजा काट रहे हैं। कहाँ से पैसा आ गया वाड्रा जी के पास? भैया कमियां हर पार्टी में, हर नेता में हैं। प्रो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की बात पर सहमत हूँ कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने भैया 60 सालों में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, जो आज ये ध्रुव राठी या कुछ लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ भैया, यहाँ पर मैं ना तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो BJP को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप चाहे वोट किसको दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं एक जो है बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल तथ्यों के आधार पर, जिस प्रकार से ध्रुव राठी ने बातचीत की उसी प्रकार से मैं यहाँ पर सबूतों के आधार पर बातचीत कर रहा हूँ। आपको क्या होता है कि भैया 2014 से पहले नहीं तो आपके पास मोबाइल थे, नहीं तो आपके पास 4G नेट था, नहीं तो 5G इंटरनेट था। TV तो भैया सरकार के अधीन होते हैं, TV में तो सरकार जो बोलेगी वही दिखाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि TV तो आज भी मोदी सरकार के अधीन है, लेकिन भैया मोदी जी ने क्या गलती कर दी? आप लोगों को इंटरनेट दे दिया, मोबाइल दे दिया, ताकि ध्रुव राठी जैसे लोग बोलते रहें भैया मोदी ने ऐसे किया, ऐसे किया। आज़ादी किसने दी आपको? आप मोबाइल देख पा रहे हैं, मोबाइल पर इंटरनेट चला पा रहे हैं, आज़ादी किसने दी? आज आपको बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आज़ादी आपको किसने दी? क्या था? मैं आज पत्रकार हूँ, मैं भी सहमत हूँ भैया, मेरे पास कुछ नहीं था। सब कुछ तभी हुआ जब हाथ में मोबाइल आया, 3G 4G 5G मेरे को इंटरनेट मिला। पहले तो मोबाइल ही नहीं था भैया देश के अंदर, मोबाइल ही जो सिंपल आते थे 2G, फ़ोन करने के भी 1 रुपये लगते थे। यानी आज़ादी दी है तो इस आज़ादी का फ़ायदा उठाकर आज लोग किस तरह की बातें कर रही है। भैया कमियां हर सरकार के अंदर होती है, कांग्रेस के अंदर भी है कमियां, BJP के अंदर भी कमियां हैं, कोई और नई सरकार आएगी उसके अंदर भी कमियां हैं। कमियां कभी पूरी नहीं हो सकती। देश कब आगे बढ़ेगा? जब हम लोग अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कमाकर सरकार को देंगे, सरकार टैक्स के तौर पर कलेक्शन होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का जो काम होता है वो मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों के अंदर मनमोहन जी ने भी अच्छा किया, और जो पीछे जो राज कर गए 70 सालों से उन्होंने भी अच्छा किया। आज कुछ लोग भैया कुछ नेता तरह तरह के कमेंट कर देते हैं इसमें, तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करें। कुछ मोदी भगत तरह तरह के कमेंट कर देते हैं। भैया कंगना रनौत की एक स्टेटमेंट मैंने सुनी, वो कहती है कि भैया 2014 तक तो देश गुलाम रहा, देश तो आज़ाद 2014 के बाद हुआ है। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, काफ़ी एजुकेटेड है, ऐसी बातें बोलना क्या उनको शोभा देता है? भैया गुलामी तो आप उन लोगों से पूछिए जो 1947 से पहले थे देश के अंदर, वो बताएंगे कि गुलामी क्या होती है। गुलामी आज़ादी के लिए आप हिस्ट्री पढ़िए, देश को किसने आज़ाद किया। आज ये कांग्रेस की देन ही है कि हम आप लोगों के सामने आज बोल पा रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने में कोशिश की, उसके बाद राज किया, जो गलती हुई तो गलती की सजा उनको मिली। एमरजेंसी गलत है, राहुल गांधी खुद मानते हैं कि एमरजेंसी जो लगी थी देश के अंदर खुद गलत है। भैया ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट हो, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ कमियां होती है राज के अंदर। लेकिन कुछ गलत कहना, किसी गलत तथ्य को बढ़ावा देना तो बिल्कुल भी गलत होता है। मैं आज कहता हूं कि BJP क्या है, चलिए मोदी जी अमित शाह कुछ नेता है जो BJP के, जो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ पर अडवाणी जी ने BJP बनाई, और BJP के अंदर आज भी नेता पिछले कई सालों से, या जहाँ से BJP की जनरेशन हुई एमरजेंसी के बाद में, सभी विपक्षी दलों ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद BJP अलग हो गई, यानी BJP की शुरुआत वहीं से हुई। तो उसके बाद कुछ नेता 15-20 जो बैठे हुए हैं सेंटर के अंदर, जो BJP के RS से हैं, वही सरकार चला रहे हैं। और नीचे के नेता तो क्या है भैया, कांग्रेस छोड़कर कभी BJP में जा रहे हैं, कभी BJP छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, दल बदल रहे हैं कुछ नेता। नीचे के नेता तो दल बदल रहे हैं,
ऐसे आप हिस्ट्री निकालेंगे बीजेपी ने जो इस बार टिकट दी है, कितने नेता है आप देखेंगे जो दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में किसकी गलती मानेंगे आप, जनता की या सरकार की? चलिए सरकार के अंदर कुछ कमियां होती है भैया, ये तो आज हमें पता चल पा रही है कि भैया अगर चाहते तो मोदी सरकार कभी भी देश के हाथों में 5G नहीं देती, फोन नहीं देती। आपको पता ही नहीं चल पाता हो क्या रहा है देश के अंदर। इसी स्ट्रेटेजी का फ़ायदा बीजेपी सरकार ने उठाया है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल दिया, इंटरनेट दिया, और आज वो देख पा रहा है। और क्या देख पा रहा है? मोदी सरकार की खूबियां। मैं इस बात से एग्री हूँ कि बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट के अंदर सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, अगर ये पैसा कहीं पर और यूज किया होता तो आज गरीबों के बच्चे भी एजुकेटेड हो चुके होते। मैं तो कहूँगा कि सरकार जो भी आए बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सोचे। तो भैया स्कैम हर सरकार में होता रहा है, स्कैम पब्लिक को पता है, पब्लिक फिर भी अंधी बनी रहती है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा लोग है आप लोगों तक बातें पहुंचाना। तो जिस प्रकार से जो डोमिनेट किया गया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तानाशाही दर्शाया गया है, तो ये बातें किसी पत्रकार को शोभा नहीं देती। आप कहेंगे गया भैया मैं गोदी मीडिया वाली भाषा बोल रहा, नहीं मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। नेता कोई गलत नहीं होता, कई बार ऐसी समस्या भी आ जाती है कि काफ़ी बड़े नेताओं को कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ध्रुव राठी से आपने बीजेपी की बताई, आप कांग्रेस की बताइए, क्योंकि बीजेपी में नहीं कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी कमियाँ थी। एक कमी की वजह से युद्ध छिड़ जाता है, उससे ज़्यादा बड़ी तो कमी नहीं हो सकती। चलिए उस समय मान ले कांग्रेस नहीं थी राज के अंदर, गठबंधन का राज था। तो भैया कमियां तो हर सरकार के अंदर हैं, लेकिन हमारा देश किस प्रकार से प्रोग्रेस करना चाहिए, देश को क्या मिलना चाहिए, वो चीज़ें ज़रूरी है। वो कांग्रेस पार्टी भी दे, बीजेपी पार्टी भी दे, उसी नेता को वोट करे जो देश को एक अच्छा भविष्य देने की हिम्मत रखता हो। मैं संदीप नोखवाल, लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।